व्हाट्सअप गाइस भाई, अभी आप जो वीडियो को देख रहे हैं भाई, इस वीडियो को मुझे इंस्टाग्राम पे प्रियांशु भाई ने शेयर किया भाई। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है जब आप इस तरह से रील्स सेंड करके उसका ट्यूटोरियल मांगते हैं। अगर आपको भाई किसी भी प्रकार की रील्स का ट्यूटोरियल चाहिए तो यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स भेज करके यहाँ पे उसका ट्यूटोरियल सीख सकते हो। यहाँ पे मैं पहले प्रियांशु भाई के प्रोफाइल में आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि प्रियांशु भाई का कहना क्या है। तो यहाँ पे प्रियांशु भाई करें कि भाई हम इस तरीके की वीडियो किस ऐप से एडिटिंग कर सकते हैं, कैपकट एप्लीकेशन से या फिर वीएन ऐप से या फिर वीटा ऐप से। तो इस वीडियो के अंदर आपका भाई स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला कि कैसे भाई आप इस तरीके की वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक में। अगर भाई आप पहली बार एडिटिंग कर रहे हैं तो भी भाई आप इस तरीके की वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो। तो भाई वीडियो को एडिटिंग करने के लिए सिंपली आपको काम का करना होगा, यहाँ पे आपको एक ऐप को डाउनलोड करना होगा जो कि नया ऐप है। यहाँ पे आपको सिंपली प्ले स्टोर पे आ जाना होगा और भाई प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में आके आपको यहाँ पे सर्च करना होगा, फिर सोना ऐप जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सिंपली आपको यही सर्च करना होगा। जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से बहुत सारा आपको ऐप्स देखने को मिल जाए। तो सिंपली यहाँ पे जो मार्क्स वाला ऐप्स दिख रहा भाई, आपको सिंपली इस वाले ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेगा, जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको ऐड देखने को मिल जाएगा भाई। ये जो ऐप है बिल्कुल फ्री, आपको यहाँ पे कोई भी पैसा पे करना नहीं पड़ेगा। तो सिंपली आपको काम का करना होगा, देखते ऊपर में कट करके ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होगा। और भाई जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यह जो ऐड है कुछ इस प्रकार से कट जाएगा। और भाई कटने के बाद यहाँ पे हमें वीडियो को स्मूथ करने सिंपली आपको काम का करना होगा। यहाँ पे जैसे नीचे में गैलरी करके ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको गैलरी वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। और फिर भाई आपको जिस वीडियो में फेस को स्मूथ करना है यानी कि एडिटिंग करना, आपको अपना वीडियो सिलेक्ट करना होगा। और भाई जैसे आप वीडियो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे फिर से ऐड देखने को मिलेगा, तो फिर भाई आपको ऐसे ऐड को कट करना हो। जैसे आप ऐड को कट करेंगे आपका जो वीडियो यहाँ पे इस प्रकार से प्रोसेस होकर इस ऐप में ओपन होकर आ जाएगा भाई। यहाँ पे थे हमारा नॉर्मल सा वीडियो है, आपको भी अपने वीडियो को कुछ इस प्रकार से इस एप्लीकेशन में ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें काम का करना होगा, हमें अपने वीडियो में थोड़ा बहुत लाइट वाइट को भी अच्छे से एडजस्ट करना होगा। तो भाई लाइट को अच्छे से एडजस्ट करें सिंपली आपको यहाँ पे नीचे से ऐसे करके हल्का सा एंड में आना हो, तो हल्का सा एंड में यहाँ पे उसने एक एडिट करके ऑप्शन दिखाएगा ये वाला, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होगा। और भाई यहाँ पे फिर से ऐड देखने को मिलेगा, तो फिर आपको इसे ऐड को कट करना होगा। ऐड को कट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाए जैसे कि अदर एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। तो सिंपली यहाँ पे जो ब्राइटनेस करके ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करना होगा। और भाई ब्राइटनेस को आपको लगभग इसे 30% या 40% करना होगा अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इस प्रकार से लगभग 30% कर लूँ, और करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में टैप करना होगा। राइट साइड टैप करने के बाद आपका जो वीडियो कुछ इस प्रकार से हल्का सा लाइट आ जाएगा। और भाई हल्का सा लाइट आने के बाद सिंपली आपको अपने वीडियो को स्मूथ के लिए सिंपली देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाए। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो आफ्टर वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने बहुत सारा फिल्टर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे जस्ट वन क्लिक में अपने वीडियो में फेस को स्मूथ कर सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे एक दिक्कत आती है, आपके लिए भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ मेरे लिए दिक्कत है क्योंकि भाई यहाँ के बाद अब हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद हो जाएगा, यानी कि बंद नहीं होगा, हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लैक दिखेगा, यहाँ पे कोई भी मोमेंट कैप्चर नहीं होगा, सिर्फ आवाज कैप्चर होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ जुगाड़ लगा के आपको बताता हूँ। तो फाइनली में देखते हैं मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ट्राईपोर्ट से जुगाड़ लगा लिया। जुगाड़ लगा में सिंपली आपको काम करना हो, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाला फिल्टर दिख रहा है आपको सिंपली इस पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे आपके वीडियो में ये जो फिल्टर है वो बहुत ही ईजी तरीके से अप्लाई हो जाओ। और भाई अप्लाई होने के बाद आपको जो फेस है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्मूद होके आ जाएगा। अभी भाई आपको मोबाइल से मोबाइल में दिख रहा होगा, इससे आपको वीडियो दिखने में वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। सिंपली आपको काम का करना होगा, यहाँ पे जो दूसरा वाला फिल्टर दिखा आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो फेस है दूसरे मतलब दूसरे कैटेगरी में स्मूद हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से आपका जो वीडियो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्मूद होके आएगा। भाई ये जो फिल्टर वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे देखते हो यहाँ पे आपको बहुत सारा फिल्टर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग आपको कौन सा फिल्टर रखना है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दो। तो फिलहाल यहाँ पे जो भाई दूसरा वाला फिल्टर था वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छा लगा, तो सिंपली मैं दूसरे वाले को सिलेक्ट करता हूँ। भाई दूसरे वाले को सिलेक्ट करने में देखते हैं ऊपर में एक 100 करके परसेंटेज का ऑप्शन दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग फिल्टर को एडजस्ट भी कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं इसे 100% करता हूँ। 100% करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड ऑप्शन जो तीर दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो वीडियो है वो बहुत ही इसी तरीके से फेस स्मूद होकर सेव हो जाएगा। भाई सेव बना सिंपली आपको काम करना हो, देख सकते हो ऊपर में एक सेव करके ऑप्शन दिख रहा, तो आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे टैप करना हो। जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे आपका जो वीडियो वो बहुत ही इसी तरीके से आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई आपको
थोड़ा देर वेट करना होगा, थोड़ा देर वेट करने बाद इसे हमें अल्ट्रा एचडी में इनहेंस करना होगा, जिससे हमारा वीडियो देखने में वो और भी ज़्यादा अच्छे लगेगा और भाई बेस्ट क्वालिटी में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा देर वेट करते हैं भाई। आपको यहाँ पे आवाज़ में हल्का सा डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि हमारा जो माइक है वो डिस्चार्ज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे एयरफोन से वीडियो बनाना पड़ा। तो यहाँ पे आपको सिंपली काम का करना होगा, यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है विंक एप्लीकेशन। भाई आपको जो ऐप है प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का जो लिंक है मैं डाल दूंगा, आप जगह वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो ये ऐप है मैं आपको वहाँ पे डायरेक्टली भेज दूंगा। और भाई इतना सब करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल गया। तो आपको सिंपली काम का करना हो, यहाँ पे जो न्यू करके ऑप्शन दिख रहा है प्लस वाला, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। और भाई जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो गैलरी है कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाए। तो भाई आपने जिस वीडियो को एडिटिंग किया था सिंपली आपको अपने वीडियो सिलेक्ट करना होगा। और फिर जैसे आप अपना वीडियो सिलेक्ट करेंगे आपका जो वीडियो है यहाँ पे इस प्रकार से सिलेक्ट होकर आ जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। और जैसे आप स्टार्ट वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे ना आपका जो वीडियो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। भाई यहाँ पे हमारा वीडियो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है एडिट होने के बाद। भाई इसमें हम थोड़ा बहुत अब हल्का सा एडजस्टमेंट करने होता है। भाई एडजस्टमेंट करने के लिए तो भाई यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट साइड में एक रीटच करके ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो भाई आपको जो मेकअप करके ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली मेकअप वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। और मेकअप वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो लिपस्टिक करके भाई ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा लिपस्टिक करके ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे भाई आप फोटो में लिपस्टिक को ऐड कर सकते बहुत तरीके से, और भाई यहाँ पे आप वीडियो में लिपस्टिक को ऐड कर सकते। यहाँ पे मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। आपको जो लिपस्टिक अपने वीडियो में लगाना है यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसे लगा लिया, और फिर लगाने के बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप इस प्रकार से परसेंटेज को भी अपने वीडियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। और भाई एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड वाला ऑप्शन पे टैप करना। भाई यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिला, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से आपको देखना हो कि आपको क्या क्या चाहिए। भाई ये ज़्यादातर लड़कियों के लिए होता है, तो यही से हम इतना ही करेंगे। और भाई इतना सब करने बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में टाइप करना हो कुछ इस प्रकार से। और भाई टाइप करने बाद हमें अपने वीडियो को अल्ट्रा एचडी में इनहेंस करने के लिए आपको काम को करना हो, सिंपली आपको अपने वीडियो पे टाइप करके यहाँ पे जो इमेज क्वालिटी करके ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट वाला, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे जो अल्ट्रा एचडी करके ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे स्टार्ट वाला ऑप्शन पे टाइप करना होगा। और जैसे आप स्टार्ट वाला ऑप्शन पे टाइप करेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रोसेसिंग चलेगा। भाई यहाँ पे 100% तक प्रोसेसिंग चलता है। भाई आपका वीडियो जितना बड़ा रहेगा यहाँ पे आपको उतना ही टाइम वेट करना पड़ता है। तो हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी छोटा था, यहाँ पे हमें थोड़ा देर वेट करना पड़ सकता है। हम भाई थोड़ा देर वेट करते हैं। तो फाइनली थोड़ा देर वेट करने के बाद हमारे यहाँ पे जो प्रोसेसिंग था कंप्लीट हो गया। और भाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ भाई कि कितना ज़्यादा फर्क आ गया। मैं आपको हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले हमारा वीडियो कुछ इस प्रकार था, अब हमारा वीडियो देखते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखते भाई हमारा वीडियो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से करके आपको यहाँ पे राइट साइड वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। राइट साइड वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे एडिट होकर आ जाएगा। भाई आपको जो वीडियो है यहाँ पे हल्का सा फंस के चलेगा। अगर भाई आपका मोबाइल जो है वो अच्छा क्वालिटी का रहेगा तो यहाँ पे आपको फंस का वीडियो नहीं चलेगा। जब आप इसे गैलरी में सेव कर लेंगे तो आपका जैसे नॉर्मल सा वीडियो चलता है उसी प्रकार से आपका वीडियो चलेगा। भाई मैं आपको बता दूं जब भी भाई आप इस तरीके की वीडियो को शूट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई जब लाइट आपके चेहरे पे अच्छे से पड़ेगी तो आपका जो वीडियो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेगा। जो आपने स्टार्ट में वीडियो देखा है उसमें लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी से हुई है, जिसकी वजह से वो वीडियो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमारा भी वीडियो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप अपने वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो। भाई वीडियो को एडिटिंग करने में आपको काम करना हुआ आपको यहाँ पे राइट साइड ऑप्शन पे टाइप करना हुआ। राइट साइड ऑप्शन पे टाइप करने बाद यहाँ पे जो सेव करके ऑप्शन दिखा ऊपर में आपको सिंपली इस पर क्लिक करना। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपका जो वीडियो यहाँ पे आपके गैलरी में सेव हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। भाई सेव होने के बाद आप उसे इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते भाई किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।